हेलो, सत श्री अकाल जी सारे नो। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, हमारा तीन पार्ट्स में आज हम हमारा आज का सेशन डिवाइड है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी चेक कर लें कि आप अपने अपने माइक म्यूट रखें ताकि एक एक्स्ट्रा डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। तो जो फर्स्ट फर्स्ट के लिए 20 से 25 मिनट रहने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको मतलब एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बिजनेस है क्या और कैसे आप यहाँ से मतलब एसोसिएट होके काम कर सकते हो, किस चीज के बारे में है, क्या मतलब आप यहाँ पे काम करना आपने। उसके बाद हमारे साथ कुछ न्यू एसोसिएट्स हैं, उनके साथ हल्की सी इंट्रोडक्शन होगी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी, वो भी आज हमारे साथ अवेलेबल हैं, वो भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आज हमें अपना शेयर करने वाले हैं। और उसके बाद 10 मिनट का एक थोड़ा सा स्पेशल सेशन रहने वाला है जहाँ पे थोड़ी सी स्किल पे हम बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं? जैसे भी आज आपके हालात हैं, चाहे अच्छे जैसे भी हैं, अगर तो आप सेटिस्फाइड हो कि यार लाइफ अच्छी चल रही है, मजे हैं बस और कुछ नहीं चाहिए, फिर तो मैं कहता हूँ कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे मतलब क्विट कर सकते हो। अगर है कि रेगुलर मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से, कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पा पाए, क्योंकि देखो एक ना सक्सेस का मतलब ये नहीं होता आज के टाइम में कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो सकता है आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी महीने का अर्न कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, आप खुद के बॉस हो। ये नहीं है कि मतलब आपको आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। मतलब यहाँ पे अब देखें ना, अगर कि सक्सेसफुल होने के लिए लोगों के लिए ना, लोग दो ही चीजें ट्राई करते हैं, एक तो सोचते हैं कि यार जॉब कर लेते हैं, दूसरा देखते हैं कि बिजनेस कर लेते हैं। जॉब में और बिजनेस में फर्क क्या है? ये सिंपल सा फर्क है कि जॉब इंडिविजुअली करनी पड़ती है और बिजनेस में एक टीम बना के हम काम कर सकते हैं। लेकिन आज इन दोनों के हालात आपको पता है कितने ज्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। 30 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरियां अपनी छोड़ चुके हैं, नौकरियों से हाथ धो चुके हैं। इससे पहले लॉकडाउन में इतना वर्स्ट हो चुका है, लॉकडाउन से पहले भी हालात कोई इतने खास नहीं थे। इंजीनियरिंग करके भी लोगों को नौकरियां तक नहीं मिल रही थी, चपरासी बनने तक के लिए मजबूर हो रहे थे, MBA के बाद भी मुश्किल से 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है आज स्टूडेंट्स को। और सरकारी जॉब्स का तो छोड़ ही दो, अब गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि इंडिया इतनी ज्यादा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है कि सरकारी नौकरियां 1 साल तक तो भूल ही जाओ। अब जब जो स्टूडेंट आप सोचो इतना मतलब कर्जे वगैरह लेके मतलब इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद जब जॉब नहीं मिलती ना, तो सुसाइड तक करने को मजबूर हो रहे हैं। अब थोड़ा गूगल पे चेक करना, इंडिया में पहले किसान नंबर 1 पे थे, अब किसानों को भी पीछे छोड़ दिया, अब बेरोजगार पहले नंबर पे है सुसाइड करने में। इतने ज्यादा वर्स्ट मतलब इंडिया की कंडीशन हो चुकी है, और आने वाले टाइम में तो रोबोट्स का भी टाइम आना है, तब वो देखो अब नौकरियों का क्या हाल होने वाला है ना। दूसरी तरफ आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, हर न्यूज़पेपर में आज नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। नेटवर्क कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, हमारे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, आप देख सकते हो ये खुद कह रहे हैं कि नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाला बने, जॉब सीकर की मानसिकता से बाहर निकल के आना है। 21st सेंचुरी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला काम करता है। आपने देखा होगा, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जानते ही होंगे, ये भी कहते हैं कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब 8वां अजूबा माना गया है कंपाउंड इंटरेस्ट को। जो बंदा इस चीज को समझ गया ना, वो बंदा सक्सेसफुल है, जो इस चीज को नहीं समझ पाया वो कहीं ना कहीं इसमें ही पिसके रह जाता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हम जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। आप सबका वेलकम है जी इस क्राउड फंडिंग की दुनिया में, CFAUS में। हाँ जी ओशन जी, एक्चुअली कुछ ये मीटिंग हैज बीन लॉक्ड बाय द होस्ट, तो वो कुछ लॉक वगैरह हो गया क्या? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, हाँ वो कर दी है अनलॉक, चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्राउड फंडिंग और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, और CFAUS ही क्यों करनी चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस है।
तो आज इससे पहले हम थोड़े से मार्केट में हालात जान लेते हैं। मार्केट में आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो ही तरह के मतलब बिजनेस चलते आए हैं। पहला है, आपने सबने सुना होगा इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने काफी कंपनीज के नाम सुने होंगे, लाइक पर्ल, क्राउन और भी काफी कंपनीज हैं। वहां पे क्या वो क्या कहती है कि आप हमें एक अमाउंट दे दो, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपया दे दो, आपको एक टाइम पीरियड के बाद 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के बाद आपको उसका डबल हो जाएगा, 2,00,000 मिल जाएगा। अगर आपका नेटवर्किंग का हल्का सा भी एक्सपीरियंस रहा है ना, आपको पता होगा कि अगर 1,00,000 की बात है, वहां पे 70% तो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, बचा कितना 30%। दीपक जी एंट्रीज आ रही है, कुछ देख लो, बचा कितना 30,000 रुपए। अब एक कंपनी 30,000 का 2,00,000 करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। तब क्या होता है, वो कंपनियां इतने मतलब 30,000 का 2,00,000 नहीं कर पाती, उनपे देनदारी बढ़ती जाती है, जिस कारण उनको बंद होना पड़ता है, भागना पड़ता है। उसके बाद फिर लोग सोचते हैं कि चलो यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जितना भी पैसा लगा है 10,000, 20,000, 30,000, इसका हमें चलो प्रोडक्ट तो मिल गया। लेकिन आप खुद सोच के देखो, हम नेटवर्किंग में प्रोडक्ट बेचने नहीं आए थे, सेल्समैन बनने नहीं आए थे, हम आए थे यहाँ पे पैसे अर्न करने के लिए, जो वहाँ पे लगभग 4-5 साल लग जाते हैं एक स्टेबल इनकम पे पहुंचने के लिए। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, मुझे लगभग 3 साल लगे थे 1,00,000+ अर्निंग पे पहुंचने के लिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, अपने आप में स्किल्स और फुल टाइम उसको देना पड़ता है। कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में बंदा जल्दी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, और लोगों के पास पेशेंस नहीं है। आज 95% लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि जॉब वाली मेंटेलिटी है 95% लोगों की, तो क्यों ना हमें उन लोगों के हिसाब से ही चलें। अब अगर किसी को बोल लें कि भाई मेरे साथ मैंने मेरा एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, आप यहाँ पे आओ, तो उसके मन में सीधा से एक मैसेज आता है कि यार नेटवर्किंग है तो ठीक चलो, बट यहाँ पे ना 2-3 साल लग जाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आज लोगों को ज्वाइन करते ही 1 महीने के बाद सैलरी चाहिए, आप काम कर रहे हो लोग, क्योंकि ये मेंटेलिटी है कि महीने के महीने सैलरी आनी चाहिए। तो आज जिस कंसेप्ट के बारे में आप सुनने वाले हो, यहाँ पे आप ज्वाइन करते 1 महीने में सैलरी तो छोड़ो, आप डे 1 से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ न्यू पर्संस भी हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो मतलब ज्वाइन करते पहले दिन से ही यहाँ पे अर्निंग लेनी जिन्होंने स्टार्ट कर दी। तो अब मार्केट के सिनेरियो क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान टिकते नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान नहीं है। आज किसी से भी आप प्रोडक्ट बेस की बात करोगे ना, इन्वेस्टमेंट का तो छोड़ ही दो, वो तो एक तरह से फ्रॉड सिस्टम ही हो चुका है। प्रोडक्ट की बात करोगे ना, लोग बोलते हैं नहीं यार मैंने सुना है, मैंने देखा है, फलाने ने किया था, वो नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेशो बहुत कम है, यहाँ पे खुद काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जो हर बंदा नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या, आप जितना बिजनेस करके दोगे किसी कंपनी को, वो आप ही का बिजनेस का आपको कमीशन देगी। आपने फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल करवा दिए नेटवर्क से, तो आपको उसका 10-15% ही मिलेगा। तो अगर आपका पैसा ही आप में बांटना है, क्यों ना आप अपना पैसा अपने पास ही रख लो। देखो हर 10 साल के बाद ना, हर एक डेकेड के बाद ना ट्रेंड चेंज होता है। आज से लगभग 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट कंपनीज का बहुत बूम था, पर्ल क्राउन में, यहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, 400-500 करोड़ रुपए यहाँ पे बहुत से लीडर हैं जिन्होंने अर्न किए हैं। इसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का बड़ा बूम रहा 2010 से 20 के बीच में, लोगों यहाँ पे लखपति बने हैं, बहुत अर्निंग किया। मैं खुद यहाँ से अच्छी अर्निंग कर चुका हूँ, लगभग 20,00,000+ अर्निंग कर चुका हूँ लास्ट के 2-3 सालों में प्रोडक्ट बेस्ड में भी। लेकिन ना हमें टाइम के हिसाब से चेंज होना बहुत जरूरी है, जिस हिसाब से अब टाइम किस चीज का है, अब लोगों को, अब लॉकडाउन है, आपको क्लियर है, चाहे गवर्नमेंट जितना बोल दे कि 10 दिन का है, सिर्फ 20 दिन का, आपको पता होगा कि ये 1 साल तक तो कम से कम चलने वाला है। और आज ही मैंने ग्रुप में एक वीडियो सेंड की थी सुधीर चौधरी की, वो भी बता रहे हैं कि अगर हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद, जैसे मतलब लॉकडाउन से पहले 2019 में जो कंडीशन थी, अगर ये सोचते हैं कि लॉकडाउन अभी ओपन हो जाएगा उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो भूल जाइए, ये हमारी गलत फहमी है। अब हमें काम करने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे, लोगों को डिजिटलाइज होना पड़ेगा। आने वाला टाइम इंटरनेट का है, हर बंदा इंटरनेट पे जा रहा है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वो भी पार्ट टाइम, जिसको एक्चुअल में पार्ट टाइम कर सके। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग अभी बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं, कुछ बोलते हैं ये लीगल है, कुछ बोलते हैं इलीगल है, हम नहीं कर सकते। तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्राउड फंडिंग, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्राउड यानी कि भीड़, फंडिंग यानी कि
फंड इकट्ठा करना, भीड़ से फंड इकट्ठा करना, जहां पे भी लोगों से फंड इकट्ठा किया जा रहा है लोगों के हित के लिए, उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। अभी इसकी आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, अभी पीएम केयर के नाम से मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि इसमें आप डोनेशन दो, जिसको आगे लोगों की डेवलपमेंट के लिए ही खर्चा जाएगा। पीएम केयर लोगों के विकास के लिए फंड एक बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या, जहाँ पे लोगों से पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ये पार्टी होती है, पोलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये इलेक्शन से पहले ना अपना मतलब पार्टी फंड के नाम पे चंदा लेती हैं और उसी चीज को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम इसमें जाते हैं जिससे आपको खुद आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी लीगल होती है और कौन सी इलीगल होती है। यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग होती है, चार टाइप की क्राउड फंडिंग होती है। सबसे पहले आ जाती है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। अब जो शेयर मार्केट है वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल इंफोसिस का नाम हम लेते हैं, वो अपने मार्केट में शेयर निकालती है जिसको लोग उस शेयर को परचेस, मतलब लोग उसमें फंड दे रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो कंपनियां अपना बिजनेस कर रही है, उस चीज को बोलते हैं इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे बैंक होते हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल बैंक में आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया पड़ा है, अगर आपका सेविंग का अकाउंट है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा उस पे, लेकिन वो बैंक ने आपका 1,00,000 उठा के किसी और बंदे को लोन पे दे दिया और उससे 10-12-13-14% तक इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप ही का पैसा है, मतलब लोगों का पैसा लोगों में बांटे जा रहे हैं और उसी से वो बेनिफिट कमा रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग। गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग में क्या होता है, आपने किसी के बर्थडे पे गिफ्ट दिया होगा, जब आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिले होंगे, जब हम किसी की शादी में जाते हैं वहां पे जो शगन डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी की शादी में गए, आपने 500 रुपए का शगन डाला, आप जैसे 100 और बराती आए थे उन्होंने भी 500 डाले होंगे, तो देखा जाए टोटल 50-60 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया, तो ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना ये क्राउड फंडिंग हो रही है, क्राउड से फंड इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद फोर्थ टाइप आ जाती है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन जैसे हम किसी एनजीओ में चैरिटी करते हैं, किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल में जो दान देते हैं, वो आ जाती है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये जो फर्स्ट टू टाइप्स है ना, इनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बैंक वाले यूज कर सकते हैं, और ये जो थर्ड और फोर्थ है ना, इनको आम लोग भी यूज कर सकते हैं। कर सकते क्या, करते आए हैं, सैकड़ों हजारों सालों से हम ये क्राउड फंडिंग करते आ रहे हैं, बस इसको टेक्निकली नाम नहीं दिया, वैसे करते आ रहे हैं। और यही थर्ड और फोर्थ चीज क्राउड फंडिंग की टाइप को हम यूज करते हैं CFAUS में, इसी को यूज करके आप यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, घर बैठे भी अर्निंग ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CFAUSPTY.Limited। प्रोफाइल की हल्की सी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है, जो क्राउड फंडिंग है ना, इंडिया में क्राउड फंडिंग का कोई अभी गाइडलाइंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारी रजिस्ट्रेशन हुई हो चुकी है। CFAUS.World हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये वह पहली बात है, कोई कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब सर्विसेज देती है। CFAUS.World पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और ये जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी आप यहाँ से ही अपने बिजनेस को आप रन कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी, जो हमारे MD हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं, लोकल हमारी इंडिया की संस्था है, ये नहीं है कि कोई ऑस्ट्रेलिया की है या फॉरेन की है, और ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन फाउंडेशन हमारी NGO है जिसके माध्यम से हम पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको NGO के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन द हेल्पिंग हैंड नेटवर्क हमारा एक स्लोगन है, जहां पे क्या हो रहा है, आज पूरे इंडिया में हमारी NGO एक्टिव है, पंजाब में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं, पंजाब हरियाणा इधर हिमाचल साइड झारखंड साइड केरला साइड हर जगह पे आज लॉकडाउन के टाइम में सोशल एक्टिविटीज, कहीं पे राशन बांटा जा रहा है, कहीं पे मास्क बांटा जा रहा है, हम एक्टिव हैं। इससे पहले भी जब ये जो गर्मियां मतलब सर्दियां सॉरी निकली थी, तब काफी देश के अलग अलग एरियाज में कंबल वगैरह राशन वगैरह मतलब ऐसी सोशल एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारी ये NGO बड़ी होती जा रही है हम अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं। हमारे दो यहाँ पे हमारे जो मेन मतलब फोकस है, एक तो है चैरिटी करने पे, समाज सेवा करने पे, और दूसरा है लोगों को पैसा कमा के देना है। देखो समाज सेवा भी हम तभी कर सकते हैं ना अगर हमारी पॉकेट में कुछ है, अगर हमारी पॉकेट खुद की खाली है हम किसी की कैसे मतलब हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने से बेटर है उसको पैसा कमाना सिखा दे। अगर एक बंदा को आपने पैसा कमाना सिखा दिया ना, इससे अच्छा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पे जानते हैं कि कैसे आप अर्निंग ले सकते हो, कैसे आप घर बैठे भी अर्निंग मतलब इनकम सोर्स अपना क्रिएट कर सकते हो, चाहे पार्ट टाइम करना चाहो चाहे फुल टाइम करना चाहो, वो आप पे है। स्टार्टिंग के लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसके लिए आपको 3000 डोनेशन देनी पड़ती है हमारी ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन फाउंडेशन में। और एक और चीज बता दूं, ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है जो एनजीओ है, हमारे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ngodarpan.gov.in, वहां से आप इनकी पूरी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। स्वयं रोजगार योजना के अंदर हम काम कर रहे हैं। आपने जैसे ही 3000 एनजीओ में डोनेशन दिया, आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाती है। रजिस्ट्रेशन एक तरह से फ्री है, और ये जो 3000 है ये नॉन रिफंडेबल है। ये कोई स्कीम नहीं है कि आपने 3000 दे दिया, बैठे बैठाए आपको पैसे आते रहेंगे। ये तो एनजीओ में जा रहा है, जिससे आप एनजीओ के वॉलंटियर बन जाते हो। इंडिया में कहीं पे भी कोई भी आप सोशल एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे आप अपना फिजिकली या फाइनेंशियली योगदान आप दे सकते हो। अगर तो चैरिटी करना चाहते हो इतना ही है, अगर अर्निंग लेनी है बिजनेस करने के लिए आए हो, तो अभी आपकी आईडी है वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे अभी ये नहीं है कि आपको कुछ प्रोडक्ट बेचने हैं या कुछ और बिजनेस करके दिखाना है, यहाँ पे लोगों को एक्टिव करने की पावर आप ही के बीच में है। दीपक जी कुछ एंट्रीज हैं, आप देख नहीं रहे। यहाँ पे लोगों को एक्टिव करने की पावर आप ही के पास है। उसके लिए करना क्या होगा, अगर आप अपनी आईडी मतलब बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हो, आपको दो लोगों की हेल्प करनी होगी। वो दो लोग कौन है, एक तो वो जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, एक उनकी जो अपलाइन है, नेटवर्किंग की लैंग्वेज में बोले एक आपकी अपलाइन, एक उनकी अपलाइन। इन दो लोगों को आपने डोनेशन देनी है 5250 और 5250। जब इन दोनों ने आपकी डोनेशन अपनी आईडी से एक्सेप्ट कर ली, इनके पास रिक्वेस्ट जाती है, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, इन्होंने जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे संस्था ने आपसे 3000 एक बार डोनेशन लेती है, उसके बाद आपको पूरे एक साल तक एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता किसी से भी। उसके बाद जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपने दो लोगों की हेल्प की है, तो अब आप 6 लोगों से हेल्प ले सकते हो। दो लोगों की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है, दो की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है, ऐसे आपका साइकिल चलता रहता है। अब होगा क्या, देखो ये 100% वर्किंग प्लान है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ये गलत फहमी मत रखिएगा कि मैंने आज ज्वाइनिंग कर ली, दो लोगों की हेल्प कर दी, अब बैठे बैठाए पैसे आते रहेंगे। बैठे बैठाए पैसे कहीं पे भी नहीं आएंगे, काम करना पड़ता है हर जगह पे, यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे काम बड़ा माइनर सा है। काम कितना है कि आपने कम से कम 2% आपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर करनी है। ज्यादा आप ज्यादा जितने मर्जी कर सकते हो, 200 करो, 2,00,000 करो, वो आप पे है। कम से कम 2 आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है, जिससे आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अब एग्जांपल लेके हम समझते हैं, आप हो, आपने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया, तो वो भी अपनी आईडी एक्टिव कराने के लिए दो लोगों की हेल्प करेगा। किनकी करेगा, एक आपकी और एक आपकी अपलाइन की। आपको वो एक डोनेशन देगा 5250 आपको यहाँ से आगे। सेम सेकंड वाला पर्सन जब आपने ज्वाइन करवाया, तो वहां से भी एक डोनेशन आपको आपकी अपलाइन को जाएगी 5250। यहाँ से आए, देखा जाए आपने जो स्टार्टिंग में दो लोगों को हेल्प की थी, लगभग 10,500 दिए थे, वो तो आपके एक तरह से वापस ही हो जाते हैं। उसके बाद जब हम मिनिमम काम की बात, मतलब मिनिमम काम मान के चलते हैं, आपने दो ही ज्वाइन किए, ज्यादा नहीं किए, जब ए है उसने भी आगे एक पर्सन को स्पॉन्सर किया, तो वो भी एक डोनेशन तो ए को देगा और दूसरी आपके पास आएगी 5250 वहां से आगे। सेम ए टू है, वहां से एक डोनेशन एक को गई, एक आपको गई 5250 वहां से आपको आ रहे हैं। सेम ऐसे ही बी से जो एक ज्वाइन करा रहे हैं, एक एक डोनेशन बी को और एक एक डोनेशन आपके पास उनसे आ रही है। ऐसे करके आपने दो लोगों की हेल्प की थी, अब आप कैलकुलेट करो, 6 लोगों से आपको डोनेशन आ रही है, जो टोटल अमाउंट बनता है 31,500 रुपए। जैसे ही आपके पास 31,500 आते हैं, आप कैलकुलेट करके देखें, आपका ना एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसमें से 10,500 आपके स्टार्टिंग में देखा जाए तो लगे भी थे, उसको निकाल दें तब भी 21,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है एक साइकिल कंप्लीट होते ही। जैसे ही आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाती है। हमने क्या बोला था कि आपने दो लोगों की हेल्प की है, तो 6 लोगों से हेल्प ले सकते हो। अगर दोबारा से आपने 6 लोगों से हेल्प लेनी है, तो 2 लोगों की फिर हेल्प करनी है। 2 की हेल्प करो, 6 से हेल्प लो, ये साइकिल आपके चलते रहते हैं। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, अब आपने फिर से अगर देखो, 2 ऑप्शन है, 21,000 आपका प्रॉफिट है एक साइकिल कंप्लीट होता है, अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे कुछ भी कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
अगर आपने रेगुलर इनकम चाहिए तो अब ये भी नहीं कि आपको नए बंदे ज्वाइन कराने पड़ेंगे जैसे बाकी नेटवर्किंग कंपनीज में होता है, ज्यादा पर्सन नहीं भी कराते हैं तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, फिर से अपनी आईडी को एक्टिव कराना है। उसके लिए क्या करना होगा, फिर से वही दो अपलाइंस जिनको आपने पहले डोनेशन दी थी फिर रीडोनेट करना है। इससे होगा क्या, आपकी आईडी फिर एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव होती है आपके डाउन में है, जब उनका एक साइकिल कंप्लीट होगा, मतलब उन्होंने 31,500 पे अर्न किए, तो वो भी आपको रीडोनेट करेंगे, सेम सेकंड वाला, सेम उनके डाउन वाला। तो ऐसे करके क्या है, जो जो बंदा 31,500 अर्न करता है 21,000 उसका प्रॉफिट है, 5,200-5,250 अपने से ऊपर वाले दो पर्सन को देते रहते हैं। ऐसे रेगुलरली लाइफ टाइम आपको इनकम आती रहती है। मैं अपना बताऊं, मेरे को 7 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए, नवंबर में मैंने काम स्टार्ट किया था, अभी 7 मंथ चल रहा है, और फर्स्ट मंथ में मेरी यहाँ से अर्निंग 50,000 प्लस थी, अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास मेरी यहाँ से अर्निंग हुई थी। सेकंड मंथ की 1,20,000 प्लस चल गई थी, और तब से अब तक बढ़ी रही है, ग्रोथ है। क्यों, यहाँ पे टाइम कंपाउंड हो रहा है, मतलब टाइम कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। अब मेरी 2 पर्सन की टीम है तो 2 अगे 2 ज्वाइन कराते हैं, 4 की होती है, 4 के 8 होते हैं, 16 होते हैं, ऐसे आगे आगे बढ़ता ही रहता है यहाँ पे। उसके बाद इस सिस्टम की सबसे ब्यूटीफुल चीज आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा, मान लो आप हो, आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवा दिया, एक्स को, एक्स ने क्या किया, एक डोनेशन आपको दी, एक आपकी अपलाइन को दी। उसके बाद आपने ज्वाइन करवा दिया वाई को, वाई ने भी एक डोनेशन आपको दी, एक आपकी अपलाइन को दी। यहाँ पे आपके जो लगे थे 10,500 रुपए वो तो वापस हो ही चुके हैं। अब एक्स के भी 10,500, इसने भी अपने 10,500 दो डोनेशन मतलब दी है 5,200-5,200 की। बाय चांस एक्स काम नहीं कर पाया तो ये तो आपको ब्लेम करेगा ना, भाई 10,500 रुपए लग गए मेरे, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने बहुत सी नेटवर्किंग कंपनीज में देखा होगा, लोग ज्वाइन करते हैं, काम कर नहीं पाते, फिर वो सोचते हैं यार मेरा नुकसान हो गया। लेकिन इस सिस्टम में, इस सिस्टम की खासियत है, जिसको सिस्टम की मैं ब्यूटी मानता हूँ, अगर आप मेहनती हो, आप काम कर रहे हो, तो आपके डाउन में जो आपके गेस्ट हैं, जो आपके कहने पे पर्सन ज्वाइन हुए हैं ना, उनका कभी भी नुकसान नहीं होता। अब होगा क्या, 2 के बाद जो भी आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाओगे, आपने मान लो आपको X1 पर्सन मिलता है, जो थर्ड पर्सन है, वो ऑटोफिल होके एक्स के डाउन में प्लेस हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऑटोफिलिंग चलती है। 2 के बाद जो भी तीसरा बंदा होगा वो आपकी टीम में जाएगा। अब X1 है, वो आया तो आपके कहने पे है, आप स्पॉन्सर हो, तो एक डोनेशन तो आपको देगा 5,250, और दूसरी डोनेशन किसको जाएगी, एक्स के पास चली जाएगी। एक्स को एक डोनेशन वापस आ गई 5,250, सेम आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो एक्स की राइट साइड पे प्लेस हो गया, वो एक डोनेशन आपको देगा, एक डोनेशन एक्स को चली जाएगी। मतलब एक्स अगर बाय चांस काम नहीं भी कर पाया और आप काम कर रहे हो, तो एक्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस हो ही जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई बंदे का कोई लॉस नहीं है, काम कर लेगा, बेनिफिट ले लेगा, नहीं भी कर पाया तो प्रिंसिपल अमाउंट तो उसका वापस हो ही सकता है। तो ये सिस्टम की ब्यूटीफुल सिस्टम की ब्यूटी है, लेकिन ये सिस्टम की ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप ऐसे पर्सन ज्वाइन करा दो जो कोई भी दो पर्सन भी नहीं स्पॉन्सर कर सकता। देखो, जो बंदा दो पर्सन भी नहीं ज्वाइन करा सकता, तो मेरे हिसाब से वो नेटवर्किंग कर ही नहीं सकता यार। 150 करोड़ की आबादी में 2 लोग तो जानते ही होंगे, 2 लोगों को तो ज्वाइन करवा ही सकते हैं। तो अगर सभी पर्सन सिर्फ 2 पर्सन भी ज्वाइन कराते रहे ना, आपको रेगुलरली इनकम आती रहेगी और बढ़ती रहेगी, हर दिन, महीने नहीं, पर डे के हिसाब से आप यहाँ पे अर्निंग ले सकते हो। इसके बाद एक और चीज बता देता हूँ, ज्वाइनिंग के 30 डेज के अंदर ही अगर आपने 31 ज्वाइनिंग करवा दिया, फॉरन का टूर क्वालिफाई कर सकते हो, जो अभी मलेशिया का चल रहा है, ये चेंज होता रहता है हर बार। उसके बाद ना, काफी लोग बोलते हैं यार ये तो ना बाइनरी सिस्टम है, ऐसे हमने बहुत सी कंपनी देखी है, बहुत सी कंपनी सुनी है। देखियो, ये बाइनरी सिस्टम नहीं है। बाइनरी वो होता है जहाँ पे आपने मान लो 2 आपकी लेग्स हैं, दोनों वो बराबर मेंटेन होनी चाहिए। मतलब अगर आपके लेफ्ट साइड पे 10 पर्सन है तो राइट साइड पे भी 10 पर्सन होने चाहिए, तो आपको इनकम आएगी। अगर कम रह गए तो इनकम नहीं आएगी। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन ही नहीं है, 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 2 पर्सन स्पॉन्सर किए थे ए और बी, किसी कारणवश बी काम नहीं कर पाया ना, सिर्फ ए ही काम कर रहा है, तो ए से भी आपको इनकम आएगी। ए जब जब 31,500 अर्न करेगा, वो आईडी एक्टिव कराने के लिए एक डोनेशन आप ही को देगा।
5,950 वहां से आए, उनके डाउन वाले जब 31.5 अर्न करेंगे एक डोनेशन वहां से आपको आएगी सेम उनके डाउन वाले, उसके बाद जब ए का फिर साइकिल कंप्लीट होगा फिर रिडोनेट करेगा फिर सेम डाउन वाले, मतलब आपका किसी भी कंडीशन में काम रुकने वाला नहीं है। अगर ए भी काम छोड़ दे, ए के डाउन वाले काम कर रहे हैं तो वहां से आपको इनकम आती रहेगी, यहाँ पे कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आपको आपकी दोनों टीम काम करें तो वेल एंड गुड है, ज्यादा ज्वाइन कराते हो तो और भी अच्छा है, अगर एक भी काम कर रही है तब भी आपको इनकम आती रहती है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विजन की, देखो यहाँ पे ना दो तरीके के लोग आते हैं, कुछ आते हैं पार्ट टाइम काम करने के लिए कि यार ज्यादा नहीं, चलो 2 पर्सन हमने ज्वाइन करवा दिए और वो 2 बंदे अच्छे काम कर रहे हैं तो आगे आगे टीम बनती रहती है, नेटवर्क बनता रहता है, और 2-4 ज्वाइनिंग कराने से ना यहाँ पे कोई ज्यादा अर्निंग नहीं आती। जो मेरा एक्सपीरियंस है आपका 20-25 हजार रुपए का एक्स्ट्रा से आना शुरू हो जाता है, जो देखा जाए इतना बुरा भी नहीं है। बट अगर आप नेटवर्किंग में आए हो ना, और नेटवर्किंग में भी स्पेशली क्राउड फंडिंग में, तो अपना विजन थोड़ा सा बड़ा करके चलिएगा। 20-25 हजार अर्न करना तो दुनिया में बहुत काम है, वहां पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे अगर आए हो ना तो थोड़ी सी आपको अपनी सोच बड़ी लेके चलनी पड़ेगी, यहाँ पे इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, जो मैं आपको अपना टारगेट शेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टारगेट है कि मैंने 50% डायरेक्ट में स्पॉन्सर करने हैं, 50% डायरेक्ट में आप भी अपना लेके चले, आपने 50% डायरेक्ट में स्पॉन्सर किए, उनको आपने फिर क्या करना है, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के साथ अटैच कर देना है, जूम पे हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं, डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, आपने इन ट्रेनिंग्स के साथ अटैच कर देना, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है उनको ट्रेंड करना, उनमें स्किल डेवलप करना, हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है अगर वो 1-2 महीने रेगुलर ट्रेनिंग्स में आते रहे ना तो उनको इतना ज्यादा ट्रेन कर देंगे कि वो डेली भी अपना एक साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अगर 50 में से मैं कहता हूँ 20% भी डेली अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब डेली 31,500 का वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, IDD एक्टिवेट होगी, एक्टिव कराने के लिए वो डोनेशन किसको देंगे, आपको देंगे, क्योंकि आपके डायरेक्ट हैं। 5,250 पर पर्सन के हिसाब से टोटल 1,00,000 प्लस की अर्निंग बनती है, महीने की नहीं, हफ्ते की नहीं, पर डे की आप यहां से ले सकते हो। और 20% जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, देखो इसमें हो सकता है 6 महीने लग जाए, 50% इतनी जल्दी डायरेक्ट में नहीं होते, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन अपना विजन लेके चलें, टारगेट लेके चलें पर्सनल, ये कोई कंडीशन नहीं है, एक मैं अपनी तरफ से आपको एक पर्सनली टारगेट दे रहा हूँ। अब जो 20% है वो भी ऐसे ही काम करेंगे, उनकी आगे टीम और बढ़ेगी तो उनका एक की जगह पे 2 साइकिल भी कंप्लीट होना शुरू होंगे, तो 2,00,000 प्लस आप डेली आपकी अर्निंग यहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जाएंगे, 5 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो 5,00,000 की आपकी अर्निंग बढ़ती है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं, चलो 20 नहीं 10 तो कर ही लेंगे, 10% अगर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तब भी 50,000 प्लस की आपकी अर्निंग बनती है। 10 में से भी अगर 5% भी करते हैं ना तब भी आप 25-26 हजार रुपए पर डे के हिसाब से अर्न कर रहे हो। मैं कहता हूँ कम से कम मान के चलते हैं 50 में से एक बंदा तो कर ही लेगा, आज मान लो ए ने कर लिया, फिर बी ने कर लिया, कल को सी ने कर लिया, फिर डी ने कर लिया, एक बंदे की भी एक दिन की रेशो निकल रही है, तब भी 5,000 प्लस की आपकी डेली अर्निंग है पार्ट टाइम में भी, तब भी आपका आप महीने से डिवाइड करके देखो 30 डेज से 1.5 लाख प्लस की आपकी अर्निंग बन जाती है। अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे बहुत है, सब डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है, आपका माइंड सेट कैसा है, आप कितना यहाँ से अर्न करना चाहते हो। यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ, मेरी डेली की एवरेज 5,000 से 8,000 के बीच में चलती रहती है, कभी 5 आ गया 8 आ गया 20 आ गया, किसी दिन नहीं भी आता, खाली भी निकल जाता है। ऑन एन एवरेज 5,000 से 8,000 डेली अर्निंग यहाँ से हम ले रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी इंसेंटिव की बात करें, जैसे आपने काम स्टार्ट किया आपको जो इनकम आप ले रहे हो वो तो आप पे आपको आएगी ही आएगी, आपने डायरेक्ट में जितना भी काम किया, उसके बाद डाउन टू डाउन पूरी टीम ने मिलके अगर किसी महीने में 21+ ज्वाइनिंग्स करवाई तो आपको बाइक फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी ज्यादा जानकारी आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 61+ आपकी ज्वाइनिंग्स होने लगती हैं आपको कार फंड यहाँ पे रेगुलरली लाइफ टाइम के लिए मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो आप लाइफ टाइम भी ले सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी अर्निंग है, सबसे बड़ी इनकम है, वो आ जाता है लॉयल्टी क्लब। हर कंपनी की सबसे बड़ी इनकम होती है उसकी रॉयल्टी इनकम। हर कंपनियां कोई 2%, कोई 3%, कोई 4% अपनी टर्नओवर का प्रॉफिट शेयर अपनी टीमों में बांटती हैं। यहाँ पे 2% नहीं, 3% नहीं, 30% टर्नओवर डिवाइड कर दी जाती है लॉयल्टी क्लब के मेंबर्स में। और लॉयल्टी क्लब के मेंबर्स वो कोई स्पेशल नहीं होते, आम ही लोग होते हैं, उसमें आप भी आ सकते हो। आपको करना क्या होगा उसके लिए,
सिर्फ 20% डायरेक्ट में ज्वाइन करवाने हैं। जिस दिन आपने 20% डायरेक्ट में स्पॉन्सर किए, आप लॉयल्टी क्लब के मेंबर हो। और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप एक मंथ में करो, दो मंथ में करो, साल में करो, लाइफ में सिर्फ एक बार करने हैं। जब आपने 20% डायरेक्ट किए तो आप लॉयल्टी क्लब के मेंबर हो। और ये लॉयल्टी साल में एक बार नहीं मिलती, आप हर महीने ले सकते हो। मतलब जैसे जॉब में होता है ना, हर महीने एक सैलरी आती है, ऐसे आप इसको एक फिक्स भी बना सकते हो, वो आप पे है। इसके लिए क्या है, जिस महीने डाउन टू डाउन पूरी टीम में 30+ ज्वाइनिंग होती रहती है, उस मंथ की आपको रॉयल्टी मिलती रहती है। यहीं पे हम खत्म नहीं होते, क्योंकि आने वाला टाइम किस चीज का है, इंटरनेट का है। आज हर बंदा डिजिटलाइज हो रहा है। अब खुद सोच के देखो, लोग बैंकों में जाके लाइनों में लगना पसंद नहीं करते। आपने भी देखा होगा, किसी को अगर हमने पैसे भेजने हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, यार गूगल पे नंबर दे दे, फोन पे दे दे, पेटीएम दे दे, तो हम ई वॉलेट यूज करते हैं। हमारा संस्था ने अभी ग्रैंड लॉन्चिंग हुई थी जिम कॉर्बेट में, जहां पे हमारा खुद का ई वॉलेट हम लॉन्च कर चुके हैं, RBI से अप्रूव्ड है। जैसे आपने गूगल पे फोन पे सुना होगा, ऐसे हमारा खुद का वॉलेट है ईजोपे। ईजोपे में सेम बैंक टू बैंक लेन देन, ट्रांजेक्शन, बुकिंग्स वगैरह, होटल बुकिंग, प्लेन की बुकिंग, बिल वगैरह, सब कुछ आप यहां से काम मतलब अपना कर सकते हो। और सबसे खास चीज, जो स्टार्टिंग में आपने 3000 डोनेशन के लिए दिए थे ना लॉकडाउन के बाद, वो भी आपके अकाउंट में आपको वापस मिल जाते हैं। मतलब वो ईजोपे में आपको एक वर्चुअल मनी के तौर पे मिल गए, जिसको हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है ईजो कार्ड। ईजो कार्ड में आप उस वर्चुअल मनी को थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कर सकते हो। ईजो कार्ड के बारे में बता दूं, जैसे आपने अमेजोन सुना होगा, फ्लिपकार्ट सुना होगा, ऐसे हमारा खुद का शॉपिंग पोर्टल है ईजो कार्ड। ईजो कार्ड में क्या है, धीरे धीरे इसमें मार्केट के सारे प्रोडक्ट हम इस पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और वो भी मार्केट से 20-30% अकाउंट पे ही आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई टी शर्ट है किसी ब्रांड की, आपको मार्केट में 1000 की मिल रही है, तो यहाँ पे आपको 700-800 में मिलने वाली है। और सबसे खूबसूरत चीज, आपकी जितनी भी टीम है वो ईजो कार्ड से कुछ भी शॉपिंग कर रही है, उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। मान लो आपका 10 रुपए कमीशन बनता है, चाहे 1000 बनता है, चाहे 1,00,000 बनता है, चाहे 1,00,000 बनता है, वो आपको महीने के बाद नहीं, हफ्ते के बाद नहीं, आज रात के 12 बजे तक जितना भी आपका कमीशन बना, सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। और सेम ईजोपे में, ईजोपे में आपकी जितनी भी टीम है, जितने भी यहाँ पे लेन देन ट्रांजेक्शन, किसी को पैसे ट्रांसफर कर रही है, कोई रिचार्ज कर रही है, हर ट्रांजेक्शन से आपको भी कुछ ना कुछ कैशबैक आगे यहाँ पे मिला करेगा। और इंक्वायरी पोर्टल है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नई नई लेके आते जा रहे हैं इसमें। और लास्ट में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको घूमने फिरने का मौका भी मिलता है। अभी जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, गवर्नमेंट परमिशन देती है, हमारा आपका गोवा का टूर रेडी है, जिसके जिसमें जो जो पर्सन तब तक, चलो लॉकडाउन खुलने तक 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देगा, उसका गोवा का टूर एंजॉय कर सकता है। बाय एयर जाना है, अच्छी 5-स्टार प्रॉपर्टी में, 3-4 दिन का आपका वहां पे ट्रिप होएगा, एक एंजॉयमेंट होएगी। आप सोच के देखो, आपने 10% डायरेक्ट में स्पॉन्सर किए, मतलब 50,000+ आपने अर्न भी कर लिया, और बाय एयर एक अच्छा लग्जरी आपने टूर भी एंजॉय कर लिया। तो मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही था। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद CFAUS। अब भी आपके जो भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझाइए, आप अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, या यहाँ मीटिंग में अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, सभी अपने माइक अनम्यूट करके अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप सामने रख सकते हो, वन बाय वन। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो हुसन जी, हरप्रीत। हाँ जी ब्रदर। हुसन जी, प्लान तो सॉलिड आ लग रहा, जो प्लानिंग दसी है ना, सो आई गैस मैं ज्वाइन करने लिए रेडी हाँ। मैं तो अनु आफ्टर कॉल तरना कांटेक्ट करा है ना। हाँ कोई नहीं, बस मैं लगभग मतलब 1:30-1:40 के बाद फ्री हो जाना है। ओके, मैं कॉल कर लेना तुम्हें। राइट, नॉट इशू। सो बाकी मैं, हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे थे नहीं, तुसी बोलो फिर मैं दसदा।
हाँ नहीं कुछ डाउट है ने, वो छोटे छोटे डाउट ने कुछ मैं तड़ना बाद में ही क्लियर करेंगा ना आफ्टर कॉल ही तड़ना मैं क्लियर कर लूंगा बट तुसी हुन क्लियर कर लो तुहाडे डाउट्स शायद होर भी काफी पर्सन दे डाउट होण ओ पुछण तो ओके राइट राइट ठीक है मैं ना cfaus.world साइट ते गया उथे प्लान उना दे $30 $60 और $150 दा कोई प्लान है ना हां जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਆ 30 60 ਔਰ 150 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5250 ਵਾਲਾ ਆਈਐਨਆਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਡਾਲਰਸ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ cfaus.world ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3000 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5200 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ $30 ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਬਚਿਆ 400 ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਸ ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੋ $150 ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਪੀਸ ਚ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਕਿੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੌਣ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕੌਣ ਡੀਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਏ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜੋ MD ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ MD ਹਮਾਰੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਨਏ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕੋ ਕੋ ਗੁਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਸਵਸਥ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਪੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਡੇਲੀ ਇਹ ਚਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਮ ਇਸਕੋ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਆ ਰਹੇ ਨਏ ਨਏ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ ਕੱਲ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਭੀ ਹਮੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲਨਾ ਵੀ ਆਗੇ ਹੀ ਬੜਨਾ ਹੈ तो अभी हमें अपने काम करने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे और ये तरीके चेंज करने का ये जो हम पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं अभी जैसे हम जूम मीटिंग पे भी हम जूम पे लगे हुए हैं मीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ या फिर नए हमारे लोग भी आ रहे हैं डेली तो ये पैटर्न हमारा हम कन्वर्ट हो चुके हैं समय को देखते हुए ठीक है ये सबसे अच्छी चीज है हम सब लोगों की हमारे सिस्टम की भी और बहुत सारी सभी कंपनियां ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी इस पैटर्न पे आ चुकी है यानी कि हमें जो है चेंज करने प्लेटफॉर्म चेंज करने वाली बात आती है कि हम आने वाले टाइम में मैंने बताया कि आने वाला टाइम जो है अभी ई कॉमर्स का ऑनलाइन का ही ज्यादा चलेगा तो हम ऑलरेडी फ्यूचर को देखते हुए पहले से ही इस सिस्टम को हम डिजाइन करके बैठे हैं और हम लकी हैं हम सब लोग लकी हैं कि हम अभी से ही इस सिस्टम में हैं यानी फ्यूचर के बिजनेस में हम अभी से हैं और ये सिस्टम जो है ये सिस्टम आप लोगों का अपना सिस्टम है जी यहाँ पे आप सब लोग जो नए गेस्ट आए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कोई कंपनी नहीं है ये एक परिवार है CFAUS फैमिली है यहाँ पे परिवार की तरह ही सब लोग मिलके काम करते हैं और एक परिवार की तरह ही एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं और अर्निंग भी कराते हैं और करते भी हैं यहाँ हम हमारा सिर्फ एक ही मोटो है इस सिस्टम का कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है लोगों के घरों तक पैसा पहुंचाना है जो आर्थिक फाइनेंशियली जो कमजोर है लोग उनको जो है पैसा कमा के उनके ड्रीम पूरे करने हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं चाहे प्रोडक्ट बेस हो या इन्वेस्टमेंट हो बहुत सारे पैटर्न चलते हैं ठीक है हमने एक नया यूनिक नेटवर्क मार्केटिंग में एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों ने ये बताना चाहा है कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग ये है ठीक है जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जैसे उसमें जय हो मूवी में सलमान खान एक सीन में बताता है कि आप थैंक यू मत बोलिए बस तीन लोगों की मदद कीजिए ठीक है जी तो उसी पैटर्न पे हम काम करें कि उन तीन
आप थैंक यू मत बोलिए, आगे उन तीन लोगों की मदद करें, फिर वो भी तीन लोगों की मदद करें। हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा आपका किसी कंपनी या सिस्टम में नहीं जाता है, पूरा का पूरा पैसा आप लोगों का अपना पैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ किसी एक पर्टिकुलर जगह से, हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ में अगर मैंने 5,000 लोगों की टीम स्टार्ट कर दी, ज्वाइन करा दिया, तो 5,000 लोगों का पैसा मेरे पास चंडीगढ़ में ही है, चंडीगढ़ से बाहर किसी कंपनी के पास नहीं गया, किसी और के पास नहीं गया। यानी कि यहाँ पे 100% आप लोगों का जो सारा सिस्टम है, आप लोगों का अपना सिस्टम है, आप खुद ही सिस्टम के मालिक होते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केट में बलगरा देते हैं लोगों को, थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये चलते नहीं है सिस्टम, ऐसा है वैसा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि हम लोगों को 11 महीने हो चुके हैं, ठीक है जी। और इस 11 महीने में हम लोगों ने जो अपना सफर तय किया है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस 11 महीने के अंदर हमने 7 करोड़ रुपया लोगों के घरों तक पहुंचाया है, ठीक है जी, एक दूसरे की मदद करके। दूसरी चीज, इन 11 महीनों में हम लोगों ने, हर कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में भैया एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। इस चीज को हमने सबसे पहले समझा, हमें पता था कि किसी भी सिस्टम को बड़ा करने के लिए एजुकेशन मस्ट होती है, तो हमने स्टार्टिंग से ही इसमें LDP प्रोग्राम रखे हैं। हम अभी तक 2 LDP कर चुके हैं, और एक हमारी कसौली थी 28, 29, 30 सितंबर को, एक हमारी जिम कॉर्बेट थी 9, 10, 11 जनवरी को 2020 को, और अभी हमारी गोवा थी, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हमारा जो है LDP आगे चली गई, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी खराब है हमारे देश की भी और पूरे विश्व की भी। तो नेक्स्ट जो LDP हमारा एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, गोवा है हमारी, ठीक है जी, उसके 10 प्लान में बताया था आप लोगों को। उसके बाद जो मैं बताता हूँ कि हम लोग 1,000+ लोग एक सेमिनार भी कर चुके हैं, अवार्ड जो फंक्शन है वो हम कर चुके हैं, 250 से 300 लोगों की मीटिंग, हम 25 से 30 मीटिंग इन 11 महीनों में कर चुके हैं। यानी कि हम सिर्फ प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से हम चल रहे हैं। इस टाइम पे बहुत सारी कंपनियां आई भी और चली भी गई, बहुत सारी कंपनियां हमारी कंपनी में से भी निकली, हमारी कॉपी भी की लेकिन नहीं चल पाई, लेकिन हम आज भी सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस सिस्टम की सिर्फ एक ही खास बात है, ये सिस्टम लोगों के लिए काम करता है, ठीक है जी। और मैं आपको बताता हूँ, हमने ईजो पे, ईजो कार्ड, हम जो दोनों चीजें हमने लॉन्च की हैं, ईजो पे हमारा गूगल पे की तरह, आपका जो है पेटीएम की तरह हमारा काम कर रहा है, और जो है ईजो कार्ड जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है जिसपे आप शॉपिंग पोर्टल है, जिससे आप शॉपिंग कर सकेंगे अभी आने वाले टाइम में, लॉकडाउन नॉर्मल हो जाएगा तब। तो हम फ्यूचर के बिजनेस में है, मैं आपको बताऊं, और जब तक लोगों को समझ में आएगा, आने वाले टाइम में लोगों को ये समझ में आएगा कि भैया एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, 24 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में, इस 24 साल के सफर में नेटवर्क मार्केटिंग उसी पैटर्न पे चलती आ रही है। हर फील्ड ने अपने आप को अपग्रेड किया है, हर एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ियां अपनी अपग्रेड हुई है, हमारी मॉडल्स चेंज हुए हैं, ठीक है, हमारे घरों के डिजाइन चेंज हो गए हैं, हमारी स्कूटर बाइकें चेंज हुई हैं, और मोबाइलों के जो स्टाइल चेंज हो गए हैं, तो बहुत हर एक चीज ने अपग्रेड किया अपने आप को, लेकिन हमारी नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये इंडस्ट्री जो है, इसमें प्लान उसी पैटर्न पे चलता रहा जो आज से 24 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो इसमें अब बदलाव का टाइम आ चुका है, और वो स्टार्ट हमने कर दिया है अभी, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंचे, हर किसी को ये बताएं कि भैया क्राउड फंडिंग के माध्यम से आप लोग एक दूसरे की मदद करके आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से आप जो है मजबूत हो सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, जो भी है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ लोगों से लोगों की इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं, जो आज ही, मतलब आज कुछ 2-3 दिनों में हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो 1-to-1 मैं उनको इनवाइट करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका मैं नाम ले रहा हूं अपना माइक अनम्यूट कर लें, और अपने बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा जूही जी को दिल्ली से। जूही जी अवेलेबल हैं आज? अभी नहीं है शायद वो। ओके, उनके बाद सेकंड मैं इनवाइट करना चाहूंगा कामाक्षी जी को। हाँ जी वो हैं। कामाक्षी? हाँ जी। हाँ जी बोलिए। सबको पहले सारे नो थैंक यू सो मच, फॉर स्पेशल थैंक यू सोनू विर्क नो जिन्हें प्लान के बारे दस्या।
और मेरी कोर फ्रेंड ने ज्वाइन किया है जो ऑनलाइन नहीं है जो भी कल पेमेंट भी आई है मेनु बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है प्लेटफॉर्म अच्छा है सपोर्ट मिलेगा तो आगे और भी बढ़िया रहेगा थैंक यू सो मच वेलकम जी नेक्स्ट मैम ने नाम लिखता है सोनू विर्क दा फिर उन्होंने इनवाइट कर लेने हैं सोनू विर्क जी है आज है तो सही पर हेलो गुड इवनिंग सारे नू मेरी ऑल फैमिली नू गुड इवनिंग जी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है काम कर रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है थैंक यू वेलकम सब नू ते किन्ना के टाइम हुआ तन्नू ज्वाइन हुआ नो इन्हें नू एक महीना हो गया है और इन्हें दे आज चार डायरेक्ट हो गए हैं ओ क्या बात है जी और फ्रेशर है इन्होंने कभी एमएलएम नहीं किया अच्छा जी थैंक यू जी बाकी नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करांगा सूरज मौर्य जी नो सूरज मौर्य जी अवेलेबल ने आज हां जी है गया सूरज जी सूरज जी अपना माइक अनम्यूट कर लें आप नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद हेलो सूरज जी है ऑनलाइन हेलो हेलो सूरज जी आपका नेटवर्क इशू है शायद सर इधर नेटवर्क की दिक्कत है आजकल ओके अभी क्लियर है आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप लोग हाँ जी सुन पा रहे हैं दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सूरज बिलोंग करता हूँ हाँ जी नमस्कार जी और ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा रविंदर जी ने मुझे इसको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और इसको बड़े लेवल पे करने का प्लान कर लिया है हम लोगों ने बहुत बढ़िया जी थैंक यू जी बाकी मैं इनवाइट करना चाहूंगा अजय मलिक जी आप लोग नंबर नंबर वगैरह दे दीजिएगा रविंदर जी पे जैसे कि कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर कॉल वगैरह कर लेंगे आपको तो इजी हो जाएगा बात ठीक है जी ठीक है जी बाकी मैं ग्रुप में हूँ आप ग्रुप में कोई भी आपने बात करनी होती है वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय जी हैं यहाँ पे हाँ जी हैं अजय जी अजय मलिक मैम शो तो नहीं हो रहे सर अभी हो रहे थे अभी चले गए डर के लगता है एक्चुअली ना आप जितना मतलब माइक पे यहाँ पे आप बोलोगे ना आप में उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा यहाँ पे तो और भी अच्छा है फेस टू फेस तो चलो टफ लगता है यहाँ पे तो कोई देख ही नहीं पा रहा बस बोलना ही है तो अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप जी को हाँ जी कुलदीप जी सुन पा रहे हो सर लुधियाना से अंकित जी होंगे सर उनसे भी बात करवाना हाँ जी अंकित जी फ्रॉम लुधियाना हेलो अंकित कनौजिया फ्रॉम लुधियाना हाँ जी बोलिए उनके भी सिग्नल इशू रहता है शायद हेलो हेलो हाँ जी कुलदीप जी हाँ नमस्कार सर नमस्कार जी सभी को नमस्कार मैं कुलदीप कल ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी हेलो कल से स्टार्ट किया सर मैंने और आज एक स्किल होके आज एक पेमेंट भी आ गई है मुझे क्या बात है कितने थैंक यू मैम थैंक यू और बाकी प्लेटफॉर्म में तो कोई कमी नहीं है हर तरह से बेस्ट है बेटर है कमाने के सबके पास मौके हैं अब वो अपने ऊपर पोटेंशियल है कि आप कितना कमा पाते हैं और कहां तक चल पाते हैं लक्ष्य बहुत बड़ा है अच्छा लेके चलेंगे कम से कम 10-12 डायरेक्ट लगाने को
पूरा टारगेट है। ठीक है, सभी को थैंक यू और प्लेटफॉर्म के लिए एमडी साहब को स्पेशल थैंक यू। वेलकम जी। बाकी नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रविंदर जी को कि वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो हेलो, सभी को नमस्कार। हाँ जी, आ रही है आवाज। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, 3 से 4 दिन हुए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी अगर अब मैं अपने इनकम की बात करूं तो 21,000 रुपए यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। और कितने दिनों में टीम? हाँ जी, और कितने दिनों की अर्निंग है ये? 4 दिन की अर्निंग है सर, सिर्फ 4 दिन में 21,000 रुपए यहाँ से आ चुके हैं। और अच्छी खासी टीम देहरादून से स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली से भी हो चुकी है, हिसार से हमारे साथी साथ में आए हैं और अच्छा बेस्ट करेंगे, अभी बहुत अच्छे लेवल पे इसको लेके जाएंगे। थैंक यू सोनिया मैम इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एमडी साहब का स्पेशली थैंक्स जो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट डिजाइन उन्होंने किया, और जो हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए अभी जो है लॉकडाउन में तो है ही स्पेशल, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा इसमें हम अर्न करेंगे। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक। बाकी लास्ट में हमारे बीच में एक और लीडर हैं जिन्होंने लास्ट मतलब 7 डेज में काफी अच्छा यहाँ से मतलब अर्न किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दीपक जी को कि वो थोड़ा सा मतलब 2 मिनट अपने दें, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं। दीपक कनौजिया जी। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, और सभी का सुन के बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे लोग अब हमारे बीच में, हमारी फैमिली में, जो कि इतना जल्दी आए हैं और इतना बढ़िया उन्होंने करियर अपना बिल्ड करना शुरू भी कर दिया, बहुत ही बढ़िया इनकम लेनी शुरू कर दी। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत बधाई, और साथ के साथ मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी मुझे भी बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं हुआ एक्टिवली काम करते हुए, मुझे भी करीब करीब 1 महीना या 1.25 महीना के आसपास आप टाइम लगा लीजिए कि मुझे काम करते हुए हुआ है। और लेटेस्ट अभी शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा ग्रुप के अंदर भी कि मेरी टीम के अंदर अभी मैंने 4 दिन पहले ही एक पर्सन ज्वाइन करवाए थे, अभी वो किसी कारणवश मीटिंग में नहीं है, गुरप्रीत सिंह जी, राजस्थान से हैं वो। और गुरप्रीत सिंह जी ने भी बहुत जबरदस्त काम की शुरुआत करी है, उनने विद इन 4 डेज, मैंने प्रूफ डाला था ग्रुप के अंदर, उनने विद इन 4 डेज 21,000 रुपीज कमा लिए हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। साथ के साथ आपने देखा होगा, अगर आपको आइडिया हो, कल ग्रुप में मैंने डाला था कि उन्होंने सिंगल डे में कल ही के दिन में 15,000 रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों अंडरस्टैंड करो कैसी अपॉर्चुनिटी है, उन्हीं की टीम में मिस्टर अमरीक सिंह जी आए हैं, वो भी राजस्थान से हैं, तो अमरीक जी ने भी एक दिन के अंदर सिंगल डे में 10,000 की इनकम कमा ली है। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने भी 20,000 यहां से अर्न किया है। तो दोस्तों इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा, तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मनिंदर सर का इस अपॉर्चुनिटी को डिजाइन करने के लिए, और साथ के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा सोनिया मैम का, हुशनप्रीत जी का और प्रीत सिंह जी का जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया, और आज उनकी बदौलत मैंने इतना कुछ सीखा और आज यहाँ पे इतना अच्छा पैसा मैं और मेरी टीम यहाँ से अर्न कर रहे हैं। और आशा यही करता हूँ दोस्तों जितने भी लोग आज नए इस मीटिंग में बैठे हैं या जो लोग अभी पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत अभी एफर्ट्स करने जिन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग भी पूरी मतलब शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। होता क्या है जब हम शुरू करते हैं ना तो बड़े सारे डाउट मन के अंदर आते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अगर डाउट मन में रहेगा ना तो कभी काम नहीं होगा, या तो काम होगा या फिर डाउट ही होगा, है ना, एक बार प्रीत जी ने भी ये बात बोली थी। तो दोस्तों डाउट को अपने मन से निकाल के बाहर फेंको और जितना हो सके इस बिजनेस के बारे में अपने दोस्तों से, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप इसके बारे में शेयर करना शुरू करो। मेरे पास ये जो पिछले 5-7 दिनों के मैंने इनकम बताई है मेरी और मेरी टीम की, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करने से ही आई है, देने नहीं गया किसी को, इवन मैंने खुद इनवाइट तक नहीं किया, खुद लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उसके बाद मैंने उनको बताया, आज वो भी पैसा कमा रहे हैं और मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। तो एक बार ना ये मन से निकाल दे कि यार मैं किसी के सामने कुछ बोलूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, आज हर बंदे को पैसे की जरूरत है और आप उनको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे रहे हो। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जितना अच्छा मैंने कमाया आप देखो और भी ज्यादा आगे लेकर के चले। सो थैंक यू वेरी मच जी, आशा यही करता हूँ आप सभी लोगों को, आप लोग और मेहनत करते रहेंगे और टाइम टू टाइम हम ऐसे गेट टुगेदर करते रहेंगे ताकि जितने भी नए लोग हैं उनके मन में विश्वास पैदा हो कि हाँ अगर हम कर सकते हैं तो यार आप भी कर सकते हो।
नेक्स्ट सेशन हुसैन जी अगर करना है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए. थैंक यू जी. थैंक यू दीपक जी. नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का ही है, जहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे आगे बताना चाहूंगा. तो जो भी मतलब आज फर्स्ट टाइम आए थे, अगर वो अपने क्लाइंट से जिन्होंने इनवाइट किया उनसे आप पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हो कर सकते हो, या सेशन अटेंड करना वो भी कर सकते हो. तो नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो मतलब हम किसी को प्रेजेंटेशन करते हुए हम अपने मतलब हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिन चीजों का हमें ख्याल रखना है. जैसे सबसे पहले कि हम किसी को भी अगर बिजनेस के बारे में बता रहे हैं तो उनको ना मतलब लिसनिंग स्किल्स भी आप में होनी चाहिए एक अच्छी. कहते हैं ना एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है. सुना तो हर बंदा देता अपनी, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं. आपने अच्छे से सुनना है ना उनको, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चाहते हैं. मतलब हो सकता है कि सामने आप जिस बंदे से बात कर रहे हो उस बंदे का पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऑलरेडी उसके पास पैसा है. हो सकता है उसको मतलब चैरिटी करना चाहता हो. तो जो बंदा आपके साथ आया था कि यार चलो एनजीओ है यहाँ पे चैरिटी करेंगे, और आप उसको बता रहे हो कि भाई यहाँ पे इतना अर्न कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो वो बात ही नहीं सुनेगा आपकी. तो सबसे पहले आपने उनको सुनना है कि वो चाहते क्या है. हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है. आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, वो सभी लोग सक्सेसफुल पता क्यों है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है. पहले लोगों को ट्रैवल करना मुश्किल लगता था तो उन्होंने गाड़ी बना दी, तो गाड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज टॉप पे है. पानी की दिक्कत होती थी, पानी बोतलों में पैक करके बेचना शुरू कर दिया, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया. लोगों को बात करने में दिक्कत होती थी, किसी ने मोबाइल बना दिया तो वो सोल्यूशन मिल गया. तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है. आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है, देखो हर बंदे की आज तो चलो फाइनेंशियल प्रॉब्लम 99% लोगों की है ही, लेकिन कॉमनली हर बंदे की थिंकिंग अलग अलग होती है. सबसे पहले आपने उनको सुनना है, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देना है उनके जितने भी हैं. हो सकता है उसका कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज का एक्सपीरियंस रहा हो, और वो इस हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम लोग इसको ना इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. कहते हैं कि यार ये भी पर्ल जैसी है, ये भी क्राउन जैसी ही है. आपने पहले उनको सुनना है कि उनके मन में है क्या, फिर उनका सोल्यूशन देना है. और कभी भी इंसल्ट नहीं करनी. कई लोग इंसल्ट कर देते हैं. जब मैंने एक देखा था, मेरी टीम से एक पर्सन थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उन एक नए पर्सन की 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं. वो सामने वाला पर्सन कहता है मुझे 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है. तो वो बंदे ने रिप्लाई दिया कि अगर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, आए आप बाइक पे हो, आपने 20 साल में क्या कर लिया. बोलो इससे थोड़ा ना बोलना है, रूडली नहीं बोलना, इससे तो उस बंदे की ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना. उनको बोलना है कि क्या बात है जी, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, फिर तो और भी अच्छा है, आप ये बिजनेस तो और भी आसानी से कर सकते हो, आपका जो वो एक्सपीरियंस है उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो. मतलब ईगो नहीं हर्ट करनी किसी की. फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपका कोई फ्रेंड है वो जो जॉब कर रहा है, मान लो उसको 5 साल हो गए जॉब करते हुए, वो अभी 10-20-30-40-50 हजार अर्न कर रहा है, और आपने यहाँ पे 6 महीने या 1 साल काम करके 1,00,000 रुपया अर्न करना शुरू कर दिया. अब ये नहीं कि उसको बोल दोगे कि तू ये 5 साल हो गए तूने कुछ नहीं किया, देख तेरे भाई ने क्या कर लिया, ये है वो है. वो ईगो हर्ट हो जाती है. ईगो नहीं हर्ट करनी, इंसल्ट नहीं किसी की करनी हमने. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अप्रिशिएट करना है. छोटी छोटी अचीवमेंट जो भी हो रही है ना, हर अचीवमेंट आपने अपनी टीम की अप्रिशिएट करनी है. अब कई कई लोगों की ना ऐसी, वैसे हमारी फैमिली में मैं देखता हूँ ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन कई जगह पे मैं देखता हूँ और कंपनीज में. जैसे मान लो दीपक जी हैं, दीपक जी मान लो अभी कह रहे हैं कि मैंने पिछले 7 दिनों में 20,000 अर्न कर लिया, और मैं मान लो उनकी अपलाइन हूँ और मैं उनको बोलूँ तो कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो 50,000 कर लिया था, कोई नहीं आप भी कर लो. मतलब डेप्रिशिएट नहीं करना किसी को, अप्रिशिएट करना है. आप मैं कहता हूँ अगर आपने पहले महीने में 1,00,000 भी अर्न कर लिया ना, अगर आपका कोई पर्सन है वो पूरे महीने में सिर्फ 5,000 ही उसने अर्न किया, तब भी उसको अपने अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएशन देनी है. आज ना आप सोसाइटी में ना अप्रिशिएट लोग कोई करके राजी नहीं है. कुछ भी कर लो ना नेगेटिव ही बोलेंगे. बोलो आप कोई गाड़ी ले आओ, कोई भी गाड़ी ले आओ, आप चाहे 10 लाख की गाड़ी ले आओ तो बोलेंगे ये क्यों ले ली, वो ले लेनी थी, वो ज्यादा बेटर थी. आप ऑडी ले आओ, ऑडी क्यों ले ली, इतने पैसे लगा दिए इसमें क्या है, वो ले लेते. मतलब हर जगह पे ना कमियां निकालते हैं. तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल. हमेशा कंफर्टेबल फील कराना है सामने वाले को जिनसे भी आप बात कर रहे हैं. और जब भी उठ के जाओ एक पॉजिटिव नोट के साथ उठ के जाना उनके पास, जब भी आप मीटिंग एंड करो कि मजा आ गया यार, है ना, नाइस टू मीट यू. और सामने वाले बंदे को भी मजा आना चाहिए आपसे मिलने के, यार ये अच्छी पर्सनैलिटी थी, खुश बंदा था, ये नहीं कि दुखड़े रोई जाने.
आज ना मैक्सिमम लोग को मैं बात करता हूँ ना मेरे फ्रेंड सर्कल से, मैक्सिमम लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही है, हमेशा अपनी प्रॉब्लम सुनाते रहेंगे, आज ये हो गया वो हो गया, आपने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं रोनी, कोई फायदा तो है नहीं, आपकी अपनी आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है किसी को बताओगे क्या फायदा मिलेगा उसका, है ना, सिंपथी नहीं लेनी। अच्छा मतलब अच्छी पर्सनैलिटी अपनी बनानी है, वही रिप्रेजेंट करनी है कि सामने वाले बंदे को मजा आ जाए आपसे मिलने की, यार बड़ा अच्छा बंदा था। हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज करने हैं, इनकरेजमेंट इनकरेज करना है हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं करना किसी को भी। अगर कोई आपकी टीम में कोई पर्सन है, मान लो आपकी दो टीम में एक टीम आपकी बहुत अच्छा कर रही है और दूसरी टीम बाई चांस नहीं कर पा रही, तो ये नहीं है कि उसको अब डिस्करेज करना है कि यार तू नहीं, तू तेरे बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता, ये है वो है। इनकरेज करना है हमेशा, इनकरेज हर काम में, सिर्फ बिजनेस नहीं कुछ भी है लाइफ में। अब देखो इस बिजनेस से, इस फैमिली से बाहर निकल के देखो ना, सभी लोग आपको डिस्करेज करेंगे। आप किसी अपने रिश्तेदार को ना एक चीज बोल के देखो, या अपने किसी दोस्त को जो नेटवर्किंग से नहीं है, उसको बोल के देखो कि आने वाले 2 सालों में ना मैंने ना मर्सिडी गाड़ी लेने का मेरा ड्रीम है, क्या बोलेगा? शक्ल देखी अपनी, मर्सिडी लेगा तू, चुप करके ये कर ले वो कर ले, डिस्करेज ही करेगा, कोई इनकरेज ही नहीं करता। आप अपने इवन के पेरेंट्स को बोल के देखो, आज जो नए गेस्ट आए हैं ना, मैं उनको एक टास्क देता हूँ, आप आज ही जाके अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि मैंने एक बिजनेस देखा है जिसको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और यहाँ से मैं अच्छी अर्निंग ले सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे? मैं लिख के दे सकता हूँ 99% पेरेंट्स यही बोलेंगे, कुछ नहीं रखा इन बिजनेस में, छोड़ो ये है, तू चुप करके पढ़ाई कर ले, जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, डिस्करेज ही करेंगे। हर जगह पे डिस्करेजमेंट चलती है, आपने किसी को डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना है, पॉजिटिव करना है हमेशा। टॉक अबाउट आइडियाज नॉट पीपल। कभी भी कई लोग होते हैं ना, वो लोगों के बारे में बात करते रहते हैं, वो फलाने बंदे ने ना फलानी कंपनी में ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया, छोड़ो यार उनको, आइडियाज लो ना जहां से ही मिल रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं। लोगों को कभी भी जो फेलियर्स होते हैं ना, वो हमेशा मतलब लोगों के बारे में बातें करते हैं, वो बंदा ऐसा वो बंदा ऐसा है, लोगों के बारे में बात मत करो, आइडियाज के बारे में बात करो। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, आपको भी इस बिजनेस में काम करते हुए काफी टफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चैलेंजेस आएंगे, लोग बोलेंगे ये फ्रॉड है जी, ये भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, प्रॉब्लम्स आएंगी, हर जगह पे होती हैं, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। आपने सॉल्यूशन की ओर देखना है, किसका सॉल्यूशन कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर ध्यान देना, ना कि प्रॉब्लम्स की ओर, उनके सॉल्यूशन की ओर फोकस करना है, हमेशा आइडियाज पे बात करनी है और हमेशा स्माइल रखनी है अपने फेस पे। जब भी आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या 1-to-1 बात कर रहे हो, हमेशा एक स्माइलिंग एक्सप्रेशन होनी चाहिए और ड्रेस वेल एंड लुक फ्रेश। अभी तो चलो हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, जब 1-to-1 भी अगर किसी से मिलते हैं, प्लान देते हैं, स्पेशली क्या होता है लंच टाइम में ना ये दिक्कत आती है, लंच टाइम तक या शाम तक आते आते क्या होता है ना, जो लुक है ना वो फ्रेशनेस चली जाती है, मतलब ऐसे मुरझाया मुरझाया सा चेहरा हो जाता है। अगर लंच में मतलब लंच टाइम पे लंच कर लें और उसमें अनियन खा लें तो मुंह से भी बैड स्मेल आती है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। जो बैड ऑडोर होती है ना वो हमें नहीं फील होती, सामने वाले बंदे को फील होती है। तो लंच में कोशिश करें, अगर आप मीटिंग्स में हो या ऑफिस में हो, तो अनियन ना ही यूज करें ताकि आपसे आपके मुंह से बैड ब्रेथ ना आए। और कोई माउथ फ्रेशनर वगैरह पास जरूर रखें, आज के टाइम में हैंड सैनिटाइजर भी जरूर रखें। कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, बट एन अनियन इन अ डे कीप एवरीबॉडी अवे। अपने ड्रेसअप का थोड़ा सा ध्यान रखना है और कम्युनिकेट टू मोटिवेट, हमेशा मोटिवेट करें, ठीक है? ये नहीं है कि कुछ, देखो नेगेटिविटी होती है। अब मैंने देखा है मेरी खुद की काफी टीम है, मेरे डायरेक्टर में अगर बात करूं लगभग 25% है जो मैंने डायरेक्टली पर्सनली यहाँ पे स्पॉन्सर किए हैं, लेकिन सभी 25 आज हमारे साथ जूम सेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो अभी बैठे हैं कि यार लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप देखो जो लोग जो इस सेशन के साथ नहीं अटैच, वो आज घर पे वेले बैठे हैं, उनकी अर्निंग 0 है। लेकिन जो बंदे आज ट्रेनिंग के साथ अटैच हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, वो लॉकडाउन की परवाह नहीं कर रहे, वो आज भी मोटिवेट, आज भी घर बैठे काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग देखो 5-5, 10-10 हजार हर बंदा अर्न कर रहा है डेली की डेली, है ना? तो हमने हर चीज में मोटिवेट रहना है और आगे मोटिवेट करने के लिए ऐसी ही अपनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ना कि ये सोचो यार अब तो लॉकडाउन हो गया अब नहीं काम चलेगा। आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट टाइम है अभी काम करने का, जितनी भी आप देखो इंडिया में ना, मतलब
मैक्सिमम हर बंदे को नेटवर्किंग का पता है, मैक्सिमम लोग आज नेटवर्किंग कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहा है कोई बिजनेस कर रहा है, वो बंदा भी पार्ट टाइम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्किंग कंपनी के साथ एसोसिएट है। आज के टाइम में फॉरेन की तो छोड़ी दो, वो तो मोदी जी ने बोल दिया कि फॉरेन की कंपनीज आप मत करो, आप लोकल को अपनाओ, आपने कल स्पीच शायद सुनी होगी परसों, है ना। और जो लोकल भी है अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो उनको ना प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हमारा जो बिजनेस है यहाँ पे आपने कुछ बेचना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कुछ प्रोवाइड नहीं, मतलब कुछ डिलीवरी नहीं करनी, घर बैठे बैठा काम करना है। डोनेशन देनी है वो गूगल पे करो, फोन पे करो, जहाँ हमारा खुद का ईजो पे है उसको आप यूज करो, है ना। हमारा आने वाला टाइम अब डिजिटल का, आज के टाइम में ना जो लोग डिजिटल लाइन में थे वो आज काम कर रहे हैं। मतलब मेरी जितनी अर्निंग पहले आ रही थी ना लॉकडाउन में, मेरी अर्निंग बढ़ी है ना कि कम हुई है। बाकी आप देख लो मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्यों, किसी की जॉब चली गई, गवर्नमेंट जॉब है उनकी भी इनकम कट के आ रही है। लेकिन एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है क्राउड फंडिंग, जहां जिसका लॉकडाउन का भी जिसपे 0% इम्पैक्ट है, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो उस इंडस्ट्री का पार्ट हो। इंडिया में तो अभी शुरुआत है, मैं मानता हूँ कि 2020 में क्राउड फंडिंग की स्टार्टिंग हुई है इंडिया में। फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया जैसी, अमेरिका जैसी, कनाडा जैसी कंट्रीज में आप देखना आपको हजारों एग्जांपल मिल जाएंगी जो लोग क्राउड फंडिंग करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। यूएसए की जो गवर्नमेंट है ना, अभी ये लॉकडाउन से पहले भी आर्थिक मंदी चल रही थी, तो अपने आप को सिर्फ 3 महीनों में आर्थिक मंदी से बाहर निकाल लिया था यूएसए और चाइना ने। कैसे निकाला था आप सर्च करके देखना, क्राउड फंडिंग की मदद लेके, क्राउड फंडिंग की थी उन्होंने। और रिमेन अ जेन्युइन फ्रेंड, लास्ट में बोलना चाहूंगा एक अच्छे दोस्त बने आपके साथ, जो भी बंदा ज्वाइन हो रहा है ना उसको भी एक एज अ फ्रेंड आप लेके चले। ये नहीं है कि आपने ये सोचना है कि यार मैंने इस बंदे को ज्वाइन करवाना है इससे ना मेरे को 5250 रुपये आएंगे, नहीं, अपना बेनिफिट मत देखो। आपने जिस बंदे को ज्वाइन करवाया है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उसको सक्सेसफुल बनाना है। आप एक बार अपना देखोगे ना, एक बार आपको बेनिफिट हो जाएगा, दोबारा क्या वो बंदा नेगेटिविटी सामने फैलाएगा कि यार ये मतलब ही ऐसे है वो है। मैं जिसको भी ज्वाइन कराता हूँ ना, मेरा 100% फोकस होता है कि अगर मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंदा मेरे फेस वैल्यू पे मेरे साथ है, अब उसको सक्सेसफुल करना ही करना है। कम से कम 1,00,000+ पर मंथ की अर्निंग मैंने उसको दिलवानी ही दिलवानी है, उसके बाद वो खुद काम करना शुरू कर देगा, मतलब खुद वो सीख ही जाएगा, है ना। तो आप जिसको भी आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उनको सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाना, सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है, उनको सक्सेसफुल बनाना है। और ये आपका खुद का बिजनेस है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलें, और यहाँ पे सिर्फ इनएक्टिव मेंबर्स या एक्टिव मेंबर्स ना बनाए, लीडर्स डेवलप करें। मतलब यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है ना, एटलीस्ट CF फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, 7,000+ वॉलंटियर्स हैं, उनमें जो स्पेशली हमारा ग्रुप है ना, यहाँ पे सक्सेस रेशो 100% होनी चाहिए हर बंदे की। जो भी पर्सन ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अटैच है, जो भी आपके साथ आपके दोस्त आ रहे हैं, कोशिश करो हर बंदे के घर में पैसा जाना चाहिए। हमारा मनिंदर सर का, पूरी हमारी जो मैनेजमेंट टीम है ना, हमारे एक ही टारगेट है कि पूरे इंडिया में एक एक बंदे के पास, एक एक बंदे के घर में पैसे जाने चाहिए। और इस पे हम काम भी कर रहे हैं, पिछले अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 से 8 करोड़ लोगों के घर में पहुंच चुका है। यहाँ पे मनिंदर सर को मैंने देखा है, वो कभी भी ये बात नहीं करते कि मैंने इतना अर्न कर लिया या हमारी कंपनी ने इतनी टर्नओवर कर ली, वो हमेशा ये बात करते हैं कि हम इतने लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं, हम इतनी चैरिटीज कर चुके हैं, हम इतने लोगों के घर में मतलब पैसे पहुंचा चुके हैं, इतने करोड़ों रुपए लोगों की हेल्प कर चुके हैं। तो आप भी मतलब देने वाला बने, आपने एक बार लोगों के लिए काम करके देखो, आपको मजा भी आएगा और आपके पास पैसों की कमी कभी होगी ही नहीं अगर आप लोगों को अमीर बनाने में उनकी मदद करोगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच जी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिलते हैं कल 12:30 पे, सेम सेशन होगा 12:30 पे, आप अपने न्यू गेस्ट को बुला सकते हो और उसके बाद 1 बजे हमारी स्पेशल ट्रेनिंग रहने वाली है। हेलो, थैंक यू सो मच जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हुसैन सर गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून जी। नहीं, अपनी हमेशा मॉर्निंग ही रहती है। ते बाकी सर थैंक यू सो मच इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज करने वास्ते मीटिंग डे बाय डे। ते मनिंदर सर जी, सुमन गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, आप बताओ सर। बस एकदम बढ़िया जी। ओके जी, तो डिस्कस करना था सर कुछ, जैसे ही मतलब हमने
जूम ऐप पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू किया. शुरू में था रिजल्ट थोड़े से स्लो आ रहे थे है ना, बट धीरे धीरे अच्छे आने लगे. और उसका मैं एक रीजन मानती हूँ, जो आपने हमें टारगेट दिया था उसके कारण. और वो टारगेट आज ओवर हो गया है ना, तो एक्साइटेड हूँ मैं भी नेक्स्ट टारगेट जानने के लिए. नेक्स्ट टारगेट अभी तो ना, आप पहले एक चीज मैं अभी बताना चाहूंगा. सॉरी सर, मैं एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ. आज का दिन खत्म नहीं हुआ, ये रात के 11:59 तक आज का दिन है. ऑफर चल रहा है, आज भी फोकस करें. जो रह गए हैं आज रात के 12 तक वो अपना ऑफर क्वालिफाई करें. जी सर. हाँ जी, क्योंकि रिजल्ट काफी अच्छे आए टारगेट के चलते हुए, मतलब एकदम से स्पीड पकड़ी है. नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग, आज का दिन है उसमें इतने, जैसे बोला आज के दिन में, और जो लोग बचे हुए हैं जिनके पेंडिंग है पेमेंट्स, तो अपना उठा लें आज और स्टार्ट कर दें आज ना, अचीव कर दें उसको. ठीक है जी. जी जी, बाकी थैंक यू सर इतना जबरदस्त सिस्टम देने के लिए. थैंक यू जी, वेलकम जी. ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल 12:30 पे. टेक केयर जी.